हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ आईफोन एसई का 1 मंथ ओल्ड वाला रिव्यू। रिव्यू जो होते हैं यार, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है मिड टर्म। लेकिन जो मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है वो होता है मिड टर्म वाला, यानी कि आप फ़ोन के साथ इतना ज़्यादा अच्छे से हैंडी भी नहीं होते हो और तब आप इसके जो कॉन्स है वो अच्छे से बता सकते हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाला होता है उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके होते हैं फ़ोन के साथ, तब आपको फ़ोन की सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखती हैं। और अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब हमारे हाथ में फ़ोन आता है तो हमें लगता है यार स्क्रीन थोड़ी छोटी है, फ़ोटोज़ थोड़ी ब्लरी आ रही हैं, या फिर गेम्स वगैरह की बात करें तो गेम्स वगैरह में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में जो होता है उसमें आपको फ़ोन में अच्छे से अपडेट नहीं देखने को मिलते हैं, तो जो रैम मैनेजमेंट वगैरह है वो आपको थोड़ी सी लो देखने को मिलती है। लेकिन जो मिड टर्म होता है उसके अंदर आपको अच्छे से अपडेट वगैरह, इसमें एक दो अपडेट बीच में आए हैं, वो उससे फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज हो गया है। तो ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए कि मैं आप लोगों को बताऊँ क्या आपको आईफोन SE 2020 सही में बाय करना चाहिए फॉर ₹35,000 to ₹40,000। हम बात नहीं करेंगे कि 24,000 रुपये में, क्योंकि 24,000 रुपीज़ का मुझे मिला और मुझे नहीं लगता कि कभी भी इसका प्राइस 24,000 रुपीज़ जाएगा। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ये 35,000 का फ़ोन मिलता है आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो चलो और बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की। मैं चाहे ग्लास की बात करूँ, यानी कि जैसे ये ग्लास है, ठीक है, इस पर आपको कोई ग्रेडियंट वगैरह फिनिश नहीं देखने को मिलती है, लेकिन आईफोन हमेशा ऐसे ही सूट करते हैं, यानी कि कोई ग्रेडियंट वगैरह फिनिश के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ग्लास आगे भी है पीछे भी है, और हमेशा रिकमेंड करूँगा कि एक कवर और एक ग्लास गार्ड के साथ ज़रूर से यूज़ करो, चाहे सेरेमिक शील्ड हो, चाहे कोई भी शील्ड लगी हुई हो आपके फ़ोन पे, चाहे आपका फ़ोन मेटल से ही क्यों ना बनाओ, लेकिन स्क्रैचेस मेटल पे भी आते हैं, ग्लास पे भी आएंगे और हर एक चीज़ पे स्क्रैचेस आते हैं, चाहे वो वॉल हो, चाहे ब्रिक हो, चाहे कुछ भी हो, आपको स्क्रैचेस ज़रूर मिलेंगे। इस वजह से हमेशा ग्लास गार्ड ज़रूर लगाना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी ग्लासेस की, बट जो मेन चीज़ है वो है इसकी एलुमिनियम और इसके बटन्स। जब मैं इसको बिना कवर के यूज़ करता हूँ तो इसके बटन्स हैं, जो वॉल्यूम रॉकर्स हैं, जो इसका वाइब्रेशन साइलेंट वाला बटन है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लगे हैं, अदर देन जो कि हमें एंड्रॉयड फ़ोन्स में मिलते हैं प्लास्टिक के, इसमें आपको एलुमिनियम के मिलते हैं। तो जो इन हैंड फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा कमाल की आती है, चाहे इसमें बहुत बड़ी चिन और बहुत बड़ी हेड हो, बट जो इसका इन हैंड फीलिंग है और जो इसकी UI की मैनेजमेंट है वो सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये तो बात हो गई हमारी फिजिकल ओवरव्यू और डिज़ाइन की। अब हम घुसते हैं थोड़ा UI के अंदर। UI हमें पता है कि एप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती है, और वही इस फ़ोन के साथ भी है। रैम मैनेजमेंट से लेकर आप गेमिंग कर लो, चाहे मैं तो सारा दिन मैं ऐसे ऐसे भी करता रहूँ, ठीक है, इसके अंदर कोई भी आपको 120 Hz वगैरह वाला रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता। बट मैंने Realme 7 के साथ इसको चला के देखा तो इसकी जो डिस्प्ले है ना, सही बता रहा हूँ मैं, उस फ़ोन के अंदर आपको 90 Hz का पैनल देखने को मिलता है, बट सही में मुझे ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल भी नोटिस नहीं हुआ। और डिस्प्ले की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसमें आपको HD+ वाली रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आपको 4K वगैरह का कंटेंट इंजॉय करवा सकती है। और ये फ़ोन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, आप अगर आप 35-40,000 रुपीज़ के आसपास का कोई फ़ोन ढूंढते हो एंड्रॉयड में, तो आपके पास OnePlus और iQOO ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आपको इस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलते हैं। बट जो एप्पल है उसका जो मेन पैसा है वो मैं कैमरा और UI और परफॉर्मेंस इस पे ही मैं मानना चाहूँगा कि इस पे ही एप्पल सारा पैसा लगाती है, ठीक है। डिज़ाइन भी आप डिसेंट है, कोई ग्रेडियंट वगैरह फिनिश नहीं है, चिन और हेड के साथ आने वाली डिस्प्ले है, ठीक है, लेकिन मुझे कभी भी ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई। हाँ, मैं जब स्टार्टिंग में इस फ़ोन पर स्विच हुआ था तो मुझे थोड़ी टाइपिंग वगैरह करने में इश्यूज़ ज़रूर आया था, पर थोड़े दिन बाद अपने आप ही सेट हो जाता है अब हमारा हाथ। और इस फ़ोन के बाद अगर मैं कोई एंड्रॉयड फ़ोन पिक करूँ तो
तो सही में मुझसे नहीं चलाया जाता, बहुत ज़्यादा लैग, बहुत ज़्यादा बग लगते हैं। मेरे पास सैमसंग का ही एक सैमसंग A31 है, या शायद A21 होगा, मे बी, नहीं A31 ही है वो, मैं चलाता हूँ। उसके अंदर 6 GB रैम है और वो बिल्कुल भी चलता ही नहीं है, इतना लैग होता है। मैं आपको ज़रूर कभी दिखाऊंगा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको, बट 6 GB ऑफ रैम के साथ भी वो फ़ोन नहीं चलता है स्मूथली। तो सैमसंग के फ़ोन मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा अगर आप थोड़ा बजट लो करते हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं होते। हाँ, वैल्यू फॉर मनी ये भी नहीं है, बट जो इसका UI है वो सब कुछ ले जाता है। जो इसका UI है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसका कैमरा है, वो सब कुछ पैसे वसूल के लेके जाता ही है। तो ये तो बात होगी हमारी डिस्प्ले वगैरह की। और मैं डिस्प्ले के अगर पॉइंट पर वापस आया हूँ, तो जब मैं एंड्रॉयड की स्क्रीन से, जो कि मैं 6.5 इंचज़ मान लो, 6.5 इंचज़ की स्क्रीन से 4.7 इंच की स्क्रीन पर आया, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ हफ्ता 2 हफ्ता लगे सेट होने में स्क्रीन के से। UI से मैं बिल्कुल पहले से ही सेट हूँ, मैंने बहुत सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, बट मुझे जो मेजर ड्रॉबैक लगा वो इसकी स्क्रीन ही है। हमें इसमें iPhone 6 Plus वाली स्क्रीन देखने को मिल सकती थी, यानी कि कुछ 5 इंचज़ या अराउंड 6 इंचज़ वाली जो स्क्रीन है iPhone 6 Plus 7 Plus वाली, अगर वो इस फ़ोन में देखने को मिलती तो मैं ज़्यादा बेटर करता। और अगर हम उम्मीद लगा ही रहे हैं, तो अगर इसमें आपको पहले ही iPhone 12 mini वाला डिज़ाइन देखने को मिलता तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डॉट नॉच वगैरह वाले डिस्प्लेसेस पे आओगे तो ज़रूर आपको फ़र्क लगेगा, 120 Hz वाले डिस्प्लेसेस पे आओगे तो ज़रूर आपको फ़र्क लगेगा, बट थोड़े टाइम बाद आप आराम से इस फ़ोन के UI के साथ सेट हो जाओगे। अगर आप 120 Hz के पैनल पे इस फ़ोन पे स्विच कर रहे हो, तब मैं कहूँगा आप इस पे मत करो, आप 12 mini लो, या फिर आप लो iPhone XR, दैट वुड बी अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में आपको इसमें एप्पल की A13 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, और इस फ़ोन की रेजोल्यूशन कम होने की वजह से इसमें आपको परफॉर्मेंस iPhone 11 Pro Max से ज़्यादा देखने को मिलती है, 12 Pro Max से नहीं, 11 Pro Max से। तो परफॉर्मेंस ऑन टू द पॉइंट है। गेमिंग में अभी पबजी वगैरह नहीं है, जैसी पबजी आएगी हम ज़रूर टेस्ट करेंगे इस फ़ोन पर। तो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप वो वीडियो मिस ना करो। इसमें आपको 3 GB ऑफ रैम भी मिलती है, जो कि हाँ, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो पक्का आपको लग रहा होगा 3 GB रैम 35,000 के फ़ोन में, हाँ आपको मे भी लग सकता है, बट जब आप इस फ़ोन को चलाओगे तो इसकी रैम मैनेजमेंट वगैरह देखोगे ऑन टू द पॉइंट है, कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, और 3 GB रैम एप्पल के लिए बहुत होती है। परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको कोई भी कमजोरी इस फ़ोन में नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कैमरा की। कैमरा सबसे पहले आप सैंपल्स देखो इसके, वीडियो सैंपल्स और फोटो सैंपल्स, फिर मैं आपको लोगों को बताता हूँ इसका जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है। तो जैसे कि आप लोगों ने फ़ोटोज़ में देखा, फ़ोटोज़ देखने के बाद ज़रूर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ लगी होंगी, बट अगर कभी और मैं कोई वीडियो बनाऊँ कैमरा कंपैरिजन की, अगर इस पे आप 500 व्यूज़ दे दो, तो एक और अगर मैं वीडियो बना के लाऊँ कैमरा कंपैरिजन की 48 MP के साथ, तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि इसमें आपको, अगर मैं डुअल कैमराज और सिंगल कैमरा की डेप्थ सेंसिंग के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ज़रूर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। बट हाँ, ओवरऑल अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो मैं आपको कहूँगा कि पोर्ट्रेट मोड में आपको थोड़ी सी एज डिटेक्शन कम मिलती है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है। एक
ट्रूली एप्पल का फ़ोन मैं मान सकता हूँ कैमरा के मामले में। कैमरा से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, नाइट मोड में भी और डे लाइट मोड में भी। तो एट द एंड अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी की, आपको इसमें 1180 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सीरियसली बहुत ज़्यादा कम है। डायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं इस फ़ोन को 9 बजे लेके निकलूँ 100% के साथ चार्ज में, तो ये फ़ोन अराउंड 4-5 बजे तक एम्प्टी हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी बहुत ही गेम भी चलाऊँ इसके अंदर तो, या फिर अगर मैं कैमरा वगैरह चलाऊँ तो अराउंड 4 to 5 o'clock मुझको एक चार्जर ज़रूर चाहिए होगा। और चार्जर भी इसके साथ 5 वॉट का अल्ट्रा स्लो चार्जिंग के साथ आने वाला है, यानी कि 5 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिलता है इस फ़ोन के बॉक्स के अंदर, जो कि 1180 mAh की बैटरी को चार्ज करने में भी अराउंड 2 घंटे आराम से ले लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं इसको सैमसंग के 15 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ चार्ज करता हूँ और अराउंड तब मेरे को 1 से 1.5 घंटे के बीच में आराम से चार्ज मिल जाता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन भी हमें अराउंड 3-4 बजे जब हम लंच वगैरह करते हैं तो मन करता ही है कि भाई थोड़ा सा चार्जिंग पर ज़रूर लगा लें, यानी कि अगर उसकी 30-40% बैटरी रह जाती है। और इसकी बैटरी कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी चार्ज भी हो जाता है। तो मैं आपको कहूँगा कि बैटरी में भी मुझे कुछ खास इशू नहीं देखने को मिला जब तक कि मैं गेमिंग पे नहीं आता हूँ। अगर मैं गेमिंग इस फ़ोन में 1 घंटा कर लूँ, पबजी चला लूँ, वैसे पबजी मैंने चलाई नहीं है बट S12 9 चला लूँ, तो 2 घंटे में अराउंड 70% बैटरी ख़त्म हो जाती है। यानी कि अगर मेरा फ़ोन 100% है तो 30% बैटरी आराम से हो जाएगी। तो हाँ, थोड़ा बहुत आपको ड्रॉबैक्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो ये तो मैंने बात कर दी है हर एक पार्ट्स में, यानी कि बैटरी में, प्रोसेसर में, कैमरा में, डिस्प्ले में, फिज़िकल ओवरव्यू में, हर चीज़ मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया है। बट अगर मैं ओवरऑल ओपिनियन की बात करूँ कि आप वन प्लस के 8T को छोड़कर आईफोन SE लो तो वो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। जैसे अगर मेरी जैसी आपको डील मिल रही हो 24,000 रुपये में, तो उससे अच्छी बात कुछ और हो नहीं सकती। तब आप, मैं कह सकता हूँ कि तब आप आईफोन SE ले सकते हो 24,000 या 30,000 के आसपास अगर आपको मिलता है। अगर आपको 25,000-28,000 रुपीज़ तक का इसका 64 GB या 128 GB मिलता है तो आप ख़रीद लो। लेकिन अगर 35,000 या 40,000 रुपये का मिल रहा है, तब मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आईफोन SE ख़रीदो। आप जा सकते हो वन प्लस के फ़ोन के साथ, सैमसंग के फ़ोन के साथ मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, आप जा सकते हो आईको के फ़ोन के साथ, मी के फ़ोन के साथ, और भी बहुत ज़्यादा फ़ोन्स हैं 35,000-45,000-50,000 रुपीज़ के आसपास, जो कि आप जा सकते हो इस फ़ोन को छोड़कर, ठीक है। तो मेनली मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको 20,000 से 30,000 के बीच में मिलता है ले लो, नहीं मिल रहा है 30,000 से 40,000 के बीच में मिल रहा है तो मत लेना। तो इतना सा मेरा बस पॉइंट है, मैं कुछ ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा इसको, बस इतना सा है। हाँ, अब अगर मैं थोड़ा बहुत कॉन्स वगैरह आपको बता दूँ, तो मैंने आपको बताया डिस्प्ले में हेड और चिन है। अगर आप मूवीज वगैरह देखोगे तो ज़रूर आपको थोड़ी सी बकवास एक्सपीरियंस मिलेगा। गेमिंग करते हो, गेमिंग में भी आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस अच्छी है बट डिस्प्ले छोटी है, तो बात वही पड़ जाती है, आपको बंदे भी स्पॉट नहीं हो पाएंगे। बस मैं आपको यही कहूँगा कि ये फ़ोन अगर आपने लेना है तो तब ही लो जब आपको सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए चाहिए या फिर कैमरा के लिए चाहिए। मेनली जो मेरा पर्पस है इस फ़ोन को लेने का, वो यही है कि ये थोड़ा जो फ़ोन है वो हैंडी है। मतलब मेरे को इतने टॉल फ़ोन नहीं चाहिए होते हैं कि इतने टॉल 6.5-6.6 इंचेस के जिसमें 6 GB रैम हो, फिर भी लैग हुए, तो मुझे वो फ़ोन नहीं चाहिए। मेरे को एक फ़ोन चाहिए जो कि 24,000 रुपये का मुझे मिल गया, स्मूथ एक्सपीरियंस है, कैमरा वगैरह चल जाता है, YouTube स्टूडियो चल जाता है, इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। वीडियो इतना थी, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा भाषण दे गया हूँगा इस वीडियो में, बट फिर भी लाइक तो करके जाना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। 500 सब्सक्राइबर चाहिए हमें, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मैं कौन सा वीडियो में टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय। हाय राम। Can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in.